सिद्धार्थनगर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भनवापुर ब्लॉक के धनोहरी गांव में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि कपोजिट विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता के बीच रखा और बताया कि किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार उनके लिए कार्य कर रही है। वहीं इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। ये एक सपना है कि हम भारत को एक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाए। तो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है, मुहावरा नहीं है, बल्कि गांव में जब लोगों के सर पर पक्की छत हो, प्रधानमंत्री आवास के रूप में घर में शौचालय हो या घर में उज्ज्वला के गैस का चूल्हा हो, सौभाग्य का बिजली का कनेक्शन हो, किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये भर्ती हो, 5,00,000 की दवा की गारंटी आयुष्मान की हो, इस काम को नए मोदी जी गांव के हर पात्र व्यक्ति को जिसको मिल चुका है और जिसका जो अभी वंचित, ये नरेंद्र मोदी की जो वैन आई है सरकार की गारंटी की, ये नरेंद्र मोदी की सरकार की गारंटी की वैन नहीं है, गांव में ढूंढने आई है कि केंद्र की द्वारा इन योजनाओं का जिसका मैंने उल्लेख किया, इसमें अगर अभी भी कोई पात्र व्यक्ति छूट गया है तो उस छूटे हुए व्यक्ति को ढूंढने का काम कर। आज हम भी अगर धनोरी में आए हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, तो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। हमारे खुद विकास खंड अधिकारी ने कहा है कि हमने अभी तक 68 विकसित भारत संकल्प यात्रा की, 30,000 लोग इसमें आ चुके हैं और 5,000 लोगों को हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया, 500 लोगों के लाभार्थियों के अनुभव को देखा। तो आप देखिए किस तरह से आंकड़ों के साथ एक एक हर जगह के विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस तरह का उत्साह है, उत्सव है। लोग घंटों, हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको यही घर की चाबी मिल रही प्रधानमंत्री आवास की, किसान